जैन परंपरा की अहिंसा, बौद्ध परंपरा की करुणा और इसी प्रकार सनातन, सिख, इस्लाम आदि धर्म में संसार के प्राणी मात्र के प्रति जो प्रेम के भाव की प्रेरणा दी गई है, वह वास्तव में प्रकृति का शाश्वत और सार्वभौम नियम है। प्रकृति संघर्ष नहीं, समन्वय सिखाती है। आज अंग्रेजी में जिसे हम इकोसिस्टम के रूप में जानते हैं, वह करुणा ही तो है। संसार के छोटे से लेकर बड़े से बड़े प्राणी को समान समझना, क्योंकि हर कोई एक दूसरे पर आधारित है। यदि एक का अहित होगा तो सबका अहित होगा, पूरा चक्र टूटेगा। करुणा अथवा अहिंसा परमार्थ का नहीं, परम स्वार्थ का विषय है। आज जब हम प्रकृति का असीमित दोहन कर रहे हैं, घृणा, संघर्ष और आतंक जोर पकड़ रहा है, हमें प्रकृति के इन शाश्वत नियमों पर चिंतन करने की, उन्हें स्थापित करने की और इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने की अति आवश्यकता है। 7 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे अध्यात्म साधना केंद्र में परम श्रद्धेय भिक्खु संघ सेना जी और उग्र विहारी तपोमूर्ति मुनिश्री कमल कुमार जी के नेतृत्व में तथा अन्य विशिष्ट महानुभावों की उपस्थिति में जिस सम्मेलन का आयोजित किया गया है, उसमें इसी विषय पर सार गर्भित चर्चा और चिंतन होगा। आपसे निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज कराकर इसे सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।